बचपन में किया मंचन, अब अधिकारी बन प्रसिद्ध रामगढ़ रामलीला में दे रहे सहयोग। जहां जनपद आजमगढ़ में 150 वर्ष पुरानी रामगढ़ रामलीला में बचपन में किया मंचन, अब अधिकारी बन कर रहे हैं सहयोग, पा रहे हैं सम्मान। पीसीएस अधिकारी बनकर भी नहीं भूले गांव की रामलीला। प्रतिवर्ष पहुंचकर गांव के मेले का उठाते हैं लुफ्त। अधिकारी बनकर बचपन में रामलीला में भारत व विभीषण बनकर किया था मंचन, अब अधिकारी बनकर कर रहे हैं सहयोग, पा रहे हैं सम्मान। वहीं जानकारी के अनुसार पीसीएस अधिकारी संदीप सिंह, जो वाराणसी में डीसी मनरेगा के पद पर कार्यरत हैं, बचपन में गांव के 150 वर्षों से पुरानी प्रसिद्ध रामगढ़ की लीला में भारत के पात्र का मंचन करते हैं, जिनकी यादें अभी भी गांव से जुड़ी हुई हैं। प्रतिवर्ष गांव के मेले में आते हैं, वहीं अपने रामलीला को जीवंत रखने के लिए बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। वहीं पीसीएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह, जो वर्तमान समय में वाराणसी में फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, बचपन में गांव के रामलीला में विभीषण के पात्र का मंचन करते थे। अधिकारी बनने के बाद अभी भी गांव की रामलीला से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और प्रतिवर्ष गांव की रामलीला व रामगढ़ मेले में सम्मिलित होते हैं। परिचय बताइए भैया। मैं प्रवीण कुमार सिंह, इस गाँव का वासी भी हूँ और ये रामलीला जो हमारे गांव में चल रही है, विगत 30 साल पहले 25 साल पहले हम लोग भी इसके पार्ट हुआ करते थे। मैं भरत का रोल करता था, हमारे बड़े भाई वीर सिंह राम का और वीडियो साहब हैं इनके बड़े भाई अमर सिंह लक्ष्मण का रोल किया करते थे। तब भी रामलीला अमृत सिंह जी हमारे आदर्श थे, हमारे गाँव के शिक्षक थे, उनके नेतृत्व हुआ करता था बहुत अच्छे तरीके से। अभी जो रामलीला इस अब हो रही है, समय की मांग भी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें हमारे गांव के दो चार लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासतौर से अभिषेक प्रधान जी, हमारे नीरज भाई साहब, सौरभ राय जी और लोग जो लोग भी गांव के लगे रहे हैं, सिंटू जी, उनका प्रोत्साहन इन लोगों को बराबर मिलता रहा है। गाँव के रहे हैं अपने हमारे सुरेंद्र जी, सब लोगों का योगदान रहा है और इन लोग एक्टिव होने के कारण और सिंटू जी के कारण जो है, जो भी हमारे गांव के, मुझे लग रहा है चाहे गांव पर रह रहे हों चाहे बाहर रह रहे हैं, सब लोग इन लोगों का उत्साह देख के अपनी तरह से आर्थिक रूप से हर तरह से जो जिसकी जैसी क्षमता थी सब लोग मदद की। उसका कारण ये रहा कि हमारे गांव की रामलीला इस बार सोशल मीडिया में क्या इर्द गिर्द जितने गाँव काफ़ी उत्साह रहा, हर गाँव के लोग पूछते थे आप गाँव में रामलीला हो रही है, आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को भी आना पड़ा। तब की रामलीलाओं में और अब की रामलीलाओं में कितना अंतर लग रहा है आपको? अब की रामलीला जो सोशल मीडिया का ज़माना है जो चल रही है उस हिसाब से बिल्कुल फिट है। इस साल खासतौर से सोशल मीडिया 2-4 साल से एक्टिव है, लेकिन ये जो है इस बार कुछ ज़्यादा ही इसका उत्साह देखने को मिला, सुनने को मिला, नाप निर्धारित जो लोग भी हमारे गाँव के संपर्क में। सगड़ी क्षेत्र में ये रामगढ़ जो है ये प्रसिद्ध गाँव माना जाता है, क्या यहाँ रामलीला हमेशा चलती ही रहेगी? ये रामलीला हमेशा आगे तो चलेगी, इससे भी बढ़िया चलेगी और पहले भी चलती रही है। और हमारा गांव का मेला बहुत फेमस रहा है, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, इस जो भी विधायक रहा हो चाहे पहले रहे हों, सब लोग आके हमारे गांव के चौराहे बैठते थे, हम लोग जाके सब लोग मिलते थे, हर घर लोग जाते भी थे। तो इससे क्या है कि और रामलीला से गांव में एक भाईचारा बना हुआ और भाईचारा बढ़ता है। हर गाँव में देखता हूँ 2 गोल 3 गोल रहती है, तो यहाँ आपसी मतभेद भले लोगों में है, लेकिन रामलीला एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से समझ लीजिए आपसी मेल जोल ऐसा हमारे गांव। इस गांव में रामलीला सबसे पहले कब शुरू की गई थी लगभग? सबसे पहले जहां तक मुझे याद है कि 90 के आसपास अनुज मास्टर साहब के ही द्वारा संचालित हुआ था, जहां तक मुझे 89 में हम लोग छोटे छोटे थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग भी रोल में छोटा मोटा भरत रोल में करते थे। आज इस क्षेत्र का मेला है, क्या कहना चाहेंगे? बता रहा हूँ, ये क्षेत्र का मेला जो है बहुत पुराना मेला है, बहुत पहले पहले जब इतनी मार्केट दूर हुआ करती थी, साधन नहीं थे, गाड़ी घोड़ा नहीं थी, तब भी हमारे गांव में मेला ऐसा था कि हर घर के रिश्तेदार लोग आते थे, हर घर में तो यहाँ खाना बनता था सबके घर, लोग दोस्त मित्र भी बुला आते थे लोग, और आज भी आते हैं। तो एक बता रहा हूँ कि जैसे एक त्यौहार होता है, मतलब एक बड़ा त्यौहार तरह से हमारे गाँव में रामलीला को और मेले के दिन को लिया जाता है।